अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब फिट फाट होंगे। वेलकम करता हूं आप सबको आप सबके अपने चैनल बजीज पैरेट एपीसी में, और मैं हूं आपका भाई समी। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रेम्बो वर्किंग की नई पेयरिंग। फ्रेंड्स, रेम्बो वर्किंग के जिस पेयर की मादी मेरे एग्ज़ाम्स वाले टूर के दौरान मर गई थी, पिछले वीडियो में मैंने इसकी अपडेट दी थी। इस पेयर के मेल के साथ आज हम नई फीमेल छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं मेल को। फ्रेंड्स, मादी के मरने की कोई ख़ास वजह पता नहीं चल सकी। सीन आपके सामने है, बॉडी बिल्कुल साफ है, देख सकते हैं, बट फीमेल और इसके तीनों अंडे मटकी से बाहर थे। फ्रेंड्स, शायद अभी किस्मत साथ नहीं दे रही इस मामले में। खैर फ्रेंड्स, इस मादी की जगह पे अभी हम जिस मादी को छोड़ने वाले हैं, कलर में बिल्कुल सेम मादी है, बस थोड़ा साइज़ और उम्र का फ़र्क नज़र आएगा आप लोगों को। बेबी बजीज वाली कॉलोनी में से ये मादी हम पकड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वाली मादी है, बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, बस 19-20 का फ़र्क है, अदरवाइज़ सेम है, और माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव लग रही है। तो अभी हम इस मादी को पकड़ेंगे और उस मेल के साथ छोड़ देंगे। वैसे भी पेयर बनाने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है, जितना टाइम मेल को अकेले रखना होता है ताकि पेयर जल्दी बन जाए, वो टाइम मेल ने अकेले गुजार लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स, मादी को पकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी जजमेंट करके इस मादी को पकड़ा है, और उम्मीद है कि ये जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देगी, जल्दी पेयर बना लेगी। देखते हैं कि ये मादी हमारी उम्मीदों पे पूरी उतरती है या नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी हम मादी को मेल के साथ छोड़ेंगे और देखेंगे कि मादी क्या रिस्पांस देती है हमारी उम्मीद के मुताबिक। अगर थोड़ा सा भी रिस्पांस दिया मादी ने, तो इस मादी को मेल के साथ रहने देंगे, अदरवाइज़ कोई दूसरी मादी मेल के साथ छोड़ेंगे और इस मादी को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मादी को मेल के साथ छोड़ दिया है, देखते हैं कि मेल मादी को कितना कैच करता है और मादी क्या रिस्पांस देती है। ओके, तो फ्रेंड्स, मादी को छोड़ने के 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मेल ने पेयर बनाने की कोशिश स्टार्ट कर दी है और मादी भी रिलैक्स है, लेकिन अभी हम फैसला नहीं कर सकते मादी के रिस्पांस को देखे बगैर। ओके, तो फ्रेंड्स, मादी ने मटकी को चेक करना शुरू कर दिया है, मटकी के पास बैठ गई है। और आप देख सकते हैं कि मेल भी मुसलसल कोशिश कर रहा है पेयर बनाने की, और मादी भी रिलैक्स नज़र आ रही है, ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये पेयर बहुत जल्दी बन जाएगा और अच्छी ब्रीड देगी मादी हमें, लेकिन अभी मेल को पूरा रिस्पांस नहीं दे रही, बिल्कुल न्यू जगह है मादी के लिए, अभी चेक कर रही है माहौल को। फ्रेंड्स, येलो फेस और गोल्डन फेस, ज़बरदस्त क्रॉस है ये, और उम्मीद है कि बच्चे हमारी उम्मीद के मुताबिक मिलेंगे हमें, जो भी उम्मीद है हमें इससे, क्योंकि मादी का सेम कलर छोड़ना, सेम कलर को चूज़ करने का मकसद सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कलर लेना है और कोई ख़ास मकसद नहीं है। फ्रेंड्स, ये मादी भी उसी पेयर की पट्टी है जिस पेयर की पट्टी मरने वाली मादी थी, क्योंकि इनकी मदर का कलर फुली ग्रे बॉडी है और रेम्बो वर्किंग के लिए ग्रे कलर की ब्लड लाइन हो तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है चिक्स में आपको।
ओके तो फ्रेंड्स ये टेंशन तो हमारी ख़त्म हुई। मादी ने मटकी को चेक करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी थोड़ा डर रही है, नई जगह है मादी के लिए। इंशाल्लाह जल्दी एडजस्ट हो जाएगी और जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर लेगी। फ्रेंड्स अभी जब तक कोई अच्छी अपडेट नहीं मिलती, मुझे अच्छा साइन नहीं मिलता इस ब्रीड के मामले में रेम्बो वर्किंग के, उस वक्त तक कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर दफ़ा आपको बैड न्यूज़ सुनाने को मिलती है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रेम्बो वर्किंग की अच्छी होगी और जिसमें अच्छे न्यूज़ मिलेगी आपको रेम्बो वर्किंग के मामले में, गुड न्यूज़ दूंगा आपको। और दुआ कीजिएगा कि जल्दी कोई ना कोई अच्छी खबर मिले हमें, क्योंकि सीज़न काफ़ी गुजर चुका है और रेम्बो वर्किंग की कोई भी अच्छी खबर आपको सुनाने के लिए नहीं मिली अभी तक। खैर खुदा बेहतर करेगा। वैसे भी कामयाबी की पहली सीढ़ी तो नाकामी ही है। फ्रेंड्स रेम्बो वर्किंग में अभी तक तो हम लॉस में जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो भी ऑब्ज़र्व किया है कि जिस काम में मुझे स्टार्ट में नाकामी मिलती है, तो आने वाले वक्त में खुदा मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा नवाजता है, और इंशाल्लाह इस वर्किंग में हम कामयाबियां ज़रूर हासिल करेंगे, बट सब्र से लगे रहने के बाद। वैसे भी ऐसी सूरत हाल में इंसान को बार बार करके सीखने का मौका मिलता है। आसानी से मिलने वाली चीज़ इंसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहती, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज़ की हम कदर नहीं करते और उसे खो बैठते हैं। ओके तो फ्रेंड्स होप सो के आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिया करें, ताकि इसी तरह मेरा और आपका साथ हमेशा बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।